ਅਜੀਤ ਖੜਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦਰ ਸਨਵਾਸ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਚੰਗ ਦਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੰਦ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਬਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਕਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਦਾ ਜੱਜ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਬਾਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ, ਦੁੱਖ ਘਟਾਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬਾੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੱਲੇ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼, ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਲ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਖਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
Thank you.
इस संगत दर्शन करने वास्ते इस महान स्थान दमदमी टकसाल के स्थान पर दर्शन करते जो सुभाग प्राप्त है वास्ते जिथे करवाया है सुन विच आया है कि चार पीढ़ियों को इस परिवार ने नशा नहीं किया कितनी वड्डी प्राप्ति इस टकसाल की संगत महापुरुषों की संगत का असर इस गुरु घर की संगत का असर कि चार पीढ़ियों को किसी ने नशा नहीं किया बड़ी वड्डी उपलब्धि है नहीं तो अज की पीढ़ी जी है नशिया में गिरफ्तार होनी पड़ती है तो त्राही त्राही बची है असं सोशल मीडिया से बड़ा देखते हैं पर यह संगा परिवार सदा स्वर्गवासी खेम सिंह जो कि इन्होंने गाड़ी पर करते रहे हैं इस परिवार ने चार पीढ़ियों को नशा पता नहीं किया ये बड़ी वही गल सू इतने आ के पता लगी सतगुरु जी कृपा कर देश कौम भी नशे तो मुक्त हो नौजवान साढ़े पर दुख होया कि छोटी जी उम्र 34 साल की उम्र में ही बिना कुछ नशा पता करते हैं क्योंकि गिड़ियाँ फेल हो गई दस जिस करके इन्होंने संसार की यात्रा तो मुक्ति प्राप्त हुई हमेशा तो बदल जाते उस परमेश्वर के हाथ है ये चीज इतने आके हर मनुख के हाथ खड़े हो जाते हैं आओ सतगुरु के चरणों में बेनती करिए कि सतगुरु जी कृपा कर अगर त्रिलोचन जी कहते हैं अंत काल नारायण सिमरै ऐसी चिंता मैं जे भरै बदन त्रिलोचन ते न होता कि तब्बल बात है उधर वो प्राणी मुक्त हो जाता है जिहड़ा अंत समय उस नारायण का सिमरन कर लैंदा है उसकी भगति कर लैंदा है इतने अखीर के श्वास में उस अकाल पुरख का नाम जपया जाए जिहड़ा साडा आया है अखीरला साह है उस साह च ही वाहिगुरू 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 उसका सिमरन हो जाए एक के चार अखर की बोली बोले जाते मनुख मुक्त हो जाता है आओ जी ये शब्द का जपते हाँ क्योंकि जिसने जाना है उसने वापस नहीं आना वो बड़ा शरीर दोबारा नहीं बस सकता Bye.
Thank you.
आर्थिक रूप कैसे ये कह रहे सन कि मैं अठारह छोटी उम्र के काका चले गया अमरदीप सिंह ते जथेदार जी कुलदीप सिंह जी उन्होंने बचन बड़े ही कीमती बचन उन्होंने साझे किए कहते कि ये जरा कष्ट है असी आम लोग नहीं सहार सकते ये सिर्फ संत महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी ही सहार सकते हैं उन्होंने वास्ते आसा आसा सरद जाके जगते रहे निराशा प्राण क्रोध ते पश्चिम है ते घटना समस्या ये ब्रह्म स्थान वाले ही इस कष्ट को अडोलो के सहार लेते हैं सो और भाई साहब ने कहा मेरे रिश्ते ऊपर के फिर दास दस्ता न सब का चाह करके समाप्ति और तुरंत ऐसे भाई साहब ने कहा मेरे रिश्ते प्रणाम कर लेते हैं जी नमः बसंत स्वर्ग लोक है यत ते पृथ्वी नव खंडन है जिस रंग हर गोपाल है नानक ते प्राणी उदयान परगण है कौतक कोड तमासे चित न आवस मारो नानक चूड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ पावे महापयान उदया नगर कर मनिया झूठ समगरी Gracias.
सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोवे कहो नानक सुन रे माना ते विमृत जग होए कहो नानक सुन रे माना औध कटत है सीता पाद तन को तन रे ओ जान जत रस जान जे ते उपजे नानक दीन काए मेहमान अब कर संतन कहे पुकार कहो नानक तिहि भजमाना पवन भीतर है पार सुख दुख जिहि परसै नहि लोभ मोह अभिमान कहो नानक सुन रे माना सो मूरत भगवान उस्तत निंदया नाहि जिहि कंचन लोह समान कहो नानक सुन रे माना मुक्त ताहि तै जान हर खसोग जाके नहीं पैरी मीत समाना कहो नानक सुन रे माना मुक्त ताहि तै जान पै काहू कौ देत नहि नहि पै मानत आन कहो नानक सुन रे माना ज्ञानी ताहि बखान जेह देखे आसक लीत जी लियो भेद पै राग कहो नानक सुन रे माना मन माया है
नानक दूत जिकर जया शागत माहन पीता नर जाहत तज और आवै किया आवै परई चितव करहिओ गौर नानक काशी गम करे यतन बहुत सुख के लिए दुख को पियो न कोए कहो नानक सुन रे माला हर पावै सो होए जगत देखारी किरत है सब को दाता राम कहो नानक मन सिमर ते हर पूर न होवह काम झूठा मान कह कर जग सुख ने ज्यो जान इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान गर्व करत है देह को बिनस छिन मैं गीत जिह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग गीत नानक साखी मान एक भगत प्रभान जिह प्राणी कह नाहे मान जैसे सूकर स्वान नानक मानो पारे पान स्वामी को ग्रह ज्यों सदा स्वान सजत नहीं नित नानक एह विद हर भजाओ एक मन होए एक चित तीरथ व्रत हर जानकार मन में धरै गुमान नानक निष्फल जात सिंह ज्यों उचर इस मान देखियो जगत मैं को काहु को नाहे नानक फिर हर भगत है तेरा को मन माहे जागर जना मद चूत है जान ले हो रे गीत कह नानक फिर ना रह जो पशु की पीत राम कयो रावण कयो जाकर कहो परवार कह नानक फिर कछ नहीं सुपने जो संसार चिंता बाकी की है जो अनहोनी होए मार संसार को नानक फिर नहीं कोए जो उपजे सो गिनस है परो आज के पाप नानक हर गुण गाए ले शर सगल जंजाल दोहरा बल छुट के ओ बंधन करे कछु न हो तो पाए कहो नानक अब रूप हार कर ज्यो हो सहाय बाल हुआ बंधन छुटे सब किस हो तो पाए नानक सब किस कुमर हाथ में कुम ही हो तो सहाय संग सखा सब तज गए पूर्ण वे हो साथ कहो नानक एह विपत मैं ते परे रघुनाथ नाम रहे हो साधु रहे हो गुरु बिंद कहो नानक एह जगत मैं किन जपे हो गुर मंत्र राम नाम हुर मैं रहे हो जाक सम नहीं कोए जिह सिमरत संकट मिट दर्श संतोख की जारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो ये तो खावै ये तो पुंचै किसका होए उधारो ये भस्त तजी नह जाई नित नित रख उर पारो काम संसार चरण लग तरिया सब नानक कहन पसारो सलोक महला तेरा पिता जात नाही मैनो जोग की सो मैं तेरे
रामत होई सतगुर सजा मिले नानक नाम मिले आजीवान तन मन जीवे हरे तरस पया मेह रामत होई सतगुर सजा मिले Yeah.
अमरदीप सिंह जी आप पुजारी होके संसार को प्रार्थना कर गए मैंने आपको शब्द वास्ते मेरे सारे परिवार बनाऊ जो आप जी गुरबाणी सहित पाठ प्रारंभ करवाए गए सर नाम की कृपा के नाम को पाए गए पाठ पाठ करने वाले आपके पक्ष का लाभ करना होगा तो समाज जोशी हमेशा प्रण पाणी सहित को दिवक शिष्टाली जी आप जी गुरबाणी की कृपाशाली मार्गल आप शुक्रिया देकर आपके चरण निवास आपने ਸਭਨੀ ਆਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਤੌਰ ਪੇਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਸਭ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਆਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨ ਪਾਰੇ ਸੁਤਾਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਰਾਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਰ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਮੰਤਰ गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਸਰਬ ਕੇ ਕੇਲਾ ਵਿਸਰੀਆਂ
ਜੋ ਮਨ ਚੇਤਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਅਪਜੋ ਸੋ ਬਣ ਸਹਿ ਜੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਵੱਢ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੱਕੇ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਰਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਦ ਨਸੀਬ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥੀ ਚੱਕਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਕੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋ ਲਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਉਣਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਸਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਾ ਬਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ ਜਸ ਮੰਗੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਰਾਣੇ ਤਾਂ ਪੱਪੂ ਜੀ ਬੈਠਾ ਐਮ ਪੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਲਦਿਆਂ ਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਾਹਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੇ ਹਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਕੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਨਕਾ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਏ ਮਨ ਰਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਂਵਾਗ ਸਾਧ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਕਾਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦਰ ਸਰਵਾਸ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਚੱਕਦਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਰਤ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 30-31 ਸਾਲ ਸੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਸਦਾ ਬਾਪ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ
इस तो बाद लंच भी अपने कोई नहीं परिवार वास्ते धरवासा देने सिर्फ इको एक वाहगुरु अगे अरदास ही आप सारे कर सकते सच्चे पातशाह अगे कि परमात्मा इस परिवार को और साड़ी छोटी बच्ची जी चार साल की है और साड़ी धी जी जिसके सिर का साई चला गया जिस माँ बाप का बेटा चला गया उस बड़े परिवार का अजीत बच्चा चला गया उन्हें परमात्मा बल बख सकता है वाहगुरु भी विश्वास का भरोसा दे सकता है आप लफ्ज कह सकते हैं उस परिवार की खातर क्योंकि मेरे नाल सरदार कुलदीप सिंह जी होना का बहुत लंबे चिर तो बाद परिवार के विचरण का बड़े बड़े मौका मिलया यहोजा परिवार जिन्होंने कदे भी हर एक दे दुख सुख के समाज के दुख सुख के बहुत वाला हिस्सा पाया उस परिवार को भी एना वाला दुख है जोड़ा वो मिलया मैं समझा कि परमात्मा सच्चे पातशाह ही वह पूर्ति कर सकता क्योंकि आप चंद लम्चा जेड़े वो ही बोल सकते हैं इस तो बहुत कुछ नहीं कह सकते सच्चे पातशाह अगर मैं थोड़े सारे वालों अरदास बेनती करता कि महाराज वो बिछड़ी हुई रूह को अपने चरणों के वास स्थान दे पिछों परिवार को पाणा मन का मतलब सी असं जिन्हें भी तुम सारे लाखों भारत अहम शख्सियतें जी इतने पहुंचिया सारे का मैं कुट कुट धनवाद करता परिवार वालों अपने वालों इन्होंने मुश्किलों रखेवा का जाचका वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह समाजिक तौर पर अभी सारे जिन्ना सा फर्ज बनता से दुख बढ़ाने परिवार के नाम शरीक हुए हैं जिते की मौत हुई है उद्दे को लैके जिनी भी किसी की नेड़ता से सारे ने अपना अपना योगदान पाया सो यह अरदास है सच्चे पातशाह के चरणों च वाहगुरू उस बच्ची साड़ी भैन साडे भरा साहब जगदेव सिंह होना सच्चे पातशाह बल बख्शी क्योंकि यह देना गुरबाणी जुड़ के असी इतिहास न जुड़ के ही जा सकते हैं बहुत सारे इंसान के सुपने होंगे आ कि घर बच्चा जन्म लवे तो उस तो बाद मैं इस तरह की मेरे घर नूँह आवे तो मेरा इस तरह का कारोबार हो मैं समाज के एक चंगा नाम बना के विचर सकता पर जो सारा कुछ हो जाए इतों तक बच्चा परिवार कनेडा भी चलिया जाए तो फिर वो सारे सुपने ढह ढेरी हो जा बहुत औखा हो जाता सहना पर जोड़े लोग गुरबाणी के नाल जुड़ के जीवन जाते हैं संत महापुरशों के नाल रह के जीवन जाते हैं उन्होंने जाना सौखा हो जाता हों क्योंकि कहा जाना कि मरे कि कैसा मरना होए जेकर सहज मनोदा विसरे तो सहला मरना होए जोड़े लोग परमात्मा ने जुड़ते हैं उन्होंने सच्चे पातशाह वाह पढ़ता इन्हों शब्दों के नाल ही जिन्नी भी शख्सियत साके जो आना क्योंकि पटियाले तो अमृतसर साहब तो भी मैं कुलदीप सिंह दस रहे थे उन्होंने दोस्त आए हैं साडे इलाके सारिया ही बहुत बार वीर पांच सरपंच साडे जिला परिषद मैंबर साहब का चेयरमैन अमरजीत सिंह लंडे के हो सारी जी संगत आई है रिश्तेदार साहबान तुहाडा सारिआं दा ही इस दुख की घड़ी के शरीक होने तुहाडा धन्नवाद तुसीं आके दुख मनाया दुख घटाया सच्चे पातशाह के चरणों की अरदास बेनती है कि वाहगुरू इस परिवार तरक्कियां बख्शे उस बच्ची उस भैन परिवार को बाणी बाणी ने जोड़ के चढ़ती कला बख्शे वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतह।